पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ के मुआहदों में तस्हीह न करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने क्रिकेट कमेटी की सिफारिशात मंजूर करते हुए हेड कोच मिकी आर्थर, बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर, बॉलिंग कोच अजहर महमूद और ट्रेनर के कॉन्ट्रैक्ट में तस्हीह न करने का फैसला किया है। दोस्तों, कोचिंग स्टाफ के लिए जो नाम सामने आए हैं उनमें जवेद मियादाद को हेड कोच, मिसबाहुलहक और मोहम्मद अकरम को कोचिंग सेटअप का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान है। साबिक कप्तान मिसबाहुलहक और मोहम्मद अकरम को नए कोचिंग सेटअप का हिस्सा बनाए जाने के रोशन इम्कान हैं। पीसीबी के मुजवजा प्लान के मुताबिक जवेद मियादाद को हेड कोच, मिसबाहुलहक को बैटिंग कोच और मोहम्मद अकरम को बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी मिल सकती है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी के मुजवजा प्लान के मुताबिक मुल्की कोचिस और गैर मुल्की कोचिस को नए सेटअप का हिस्सा बनाया जाएगा। एक तजवीज़ के मुताबिक अगर अपने म्यार के मुताबिक गैर मुल्की हेड कोच से मामलात तय ना पा सके तो मिसबाहुलहक को बैटिंग कोच और अगर जवेद मियादाद पीसीबी के टर्म्स एंड कंडीशंस पर पूरा नहीं उतरते तो मिसबाहुलहक को ही हेड कोच की जिम्मेदारी दी जाएगी। मिसबाहुलहक 2017 में हर तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट से अलग हो गए थे। पीसीबी नए तैनातियों के लिए जल्द अखबारात में इश्तेहार जारी करेगा। दोस्तों, इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें।